हेलो दोस्तों, आज हमने राइट एंगल बनाने का सोचा है और ट्रांसफार्मर का कोर ले लिया है। तो कोर को कुछ इस तरह से कटिंग कर लेनी है, बीच का जो फालतू निकल जाएगा वो। एक है 45 डिग्री, 90 डिग्री इस तरह का बनेगा और एक बनेगा राइट एंगल। तो इस तरह से पहले इसको कटिंग कर लेनी है 100 से, और 100 से कटिंग करने के बाद एक ये जो है ये बनेगा राइट एंगल और ये बनेगा 45 90, ऐसे झुकने वाला। तो इस तरह से स्विच बोर्ड में लगने वाली नट बोल्ट जो है उसी को लगा देना है, अच्छे से टाइट कर दे। थोड़ा सैंडिंग कर लेते हैं ताकि दिखने में फिनिशिंग दिखे। तो ये कंप्लीट हो गया है और इसको अभी फेविक्विक से चिपकाएंगे। तो इस तरह से प्लास से आप दबा दें इसको, और दबाने के बाद इसमें फेविक्विक डाल दें। इसी में क्या होगा, फेविक्विक अच्छा से पकड़ के रखिएगा। इस तरह से प्लास से दबा दें। तो दोस्तों अब इसको टेस्टिंग करते हैं, सॉरी पहले इसको सेंडिंग कर लेते हैं। सेंडिंग करने के बाद इसको थोड़ा हाथ में पकड़ने के लिए अच्छा लगेगा, काफ़ी छोटा है ये। तो दोस्तों आप भी इसे बना सकते हैं। देखिए इस तरह का बन गया है। तो दोस्तों ज़रूर लाइक करना और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो अभी इसको मार्किंग करके देखते हैं कितना अच्छा लग रहा है पकड़ के मार्किंग करने में। तो अभी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, आधा mm से भी कम का, बहुत कम का थोड़ा सा मिस्टेक है। तो इसको थोड़ी सी सेंटिंग कर लेते हैं। तो अभी काफ़ी परफेक्ट तरह से बन गया है। तो दोस्तों इससे आप जितना तिरछा ले सकते हैं तिरछा मार्किंग करने के लिए, काफ़ी अच्छा बना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।